स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 इंदौर और सूरत को साल 2023 के प्रतिष्ठित सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण -2023 पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें दोनों शहरों को संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1,00,000 से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इंदौर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। इसी कैटेगरी में नवी मुंबई को 3रा स्थान मिला। पुरस्कार समारोह में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सचिव मनोज जोशी ने भी भाग लिया। लगातार 7वें साल इंदौर रहा विजेता। 1,00,000 से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर लगातार 7वीं बार विजेता घोषित किया गया है। 1,00,000 से कम आबादी वाले शहरी केंद्रों के लिए महाराष्ट्र के सासवर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला, जबकि छत्तीसगढ़ का पाटन और महाराष्ट्र का लोनावला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला। साल 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहा द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। क्या थे अवार्ड के मानक? शहरों की स्वच्छता का मूल्यांकन करने के लिए 3,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ता शामिल किए गए थे। इसके तहत 46 संकेतकों के आधार पर 4,500 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया गया। इन संकेतकों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें अलग अलग घर घर कचरा संग्रहण, जीरो अपशिष्ट कार्यक्रम, विकलांग अनुकूल शौचालय और बेहतर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैसे मानक प्रमुखता से शामिल थे। स्रोत PIB। इंदौर कैसे रहा टॉप पर? इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शुमार हुआ है। इंदौर मजबूत अर्थव्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध हो गया है। ये शहर मध्य प्रदेश के इस प्रमुख शहर के रूप में शुमार है। ये शहर अपने जायकेदार स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही यहाँ का सराफा बाजार भी प्रसिद्ध है। यहाँ का रागवाड़ा महल मराठा और मुगल वास्तुशिल्प की झलक भी दिखाता है।